सो फ्रेंड्स, आज हम पीपे के पुल के पास महावीर घाट है, वहाँ पे हम लोग, हम और हमारे कैमरामैन इरफान जी उपस्थित हैं यहाँ पे। यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाएगा और आप लोगों को ये सीन दिखा दे रहे हैं। सीन कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं, नदी के अंदर दूर दूर तक आप देख सकते हैं। भाई साहब आइए, अरे पास में रहिए ना। और ये कुछ दिन का सीन है, हम रात को भी दिखाएंगे, नाइट का भी। अभी कोई आया नहीं है, सीन कुछ ऐसा है, आप लोग इधर देखिए। अभी ये दिन का सीन है, अभी लोग आए हुए नहीं है यहाँ पे। कुछ देर में यहाँ पे भीड़ होगा और छठ पूजा मनाया जाएगा। हाँ, तो हम इस घाट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे सुनील चाचा जी हैं। कौन से घाट है? राम घाट है। अच्छा, बहुत पहले से राम घाट का सीन दिखाएंगे। दिखाओ तारा जी। नहीं तो ऐसे ना पे रे। बाइक से निकल चुके हैं हम और इरफान भाई, बाइक से निकल चुके हैं दूसरे घाट की तरफ। आप लोग सीन देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे माताएं और बहनें छठ मना रही हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे सीन कुछ ऐसा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चितेश्वर नगर, शास्त्री नगर के वार्डों में सूर्य उपासना, सूर्य षष्ठी का व्रत महिलाएं करती हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग घाटों पे घूम के निरीक्षण किए, जिसमें सभी घाट अपने अनुसार बच्चों ने सजाया और संवारा। और हम चाहेंगे कि आप सभी भी सभी घाटों पे जाके माँ छठ मैया का आशीर्वाद लें, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लें। जय श्री शंभु जय कैलाशवासी, हमें अपनी शरण में लेना।
हम पहुंच चुके हैं अपने चितबड़ा गांव के ऐतिहासिक बरैया पोखरे के पास और आप लोग देख सकते हैं सीन कुछ ऐसा है। सीन का सबसे पहले हमारे शिव जी भैया कट मनाने के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ जा रहे थे तो हमने रोका और सोचा कि इनका भी थोड़ा सीन ले लिया जाए वीडियो में। कुछ बोलना चाहेंगे छठ पे? हाँ क्यों नहीं, बोलिए बोलिए, हम पकड़े हुए हैं। सबको हमारे तरफ से छठ मुबारक हो और आपको भी कि आपने मुझे यह अवसर दिया कुछ बोलने के लिए, इसके लिए मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी जी, और ऐसे ही शुभ अवसर पे आप आते रहेंगे, जरूर आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी तो हम लोग को भी बहुत खुशी होगी। और थोड़ा सा आप, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप हार्ट उट देख लीजिए और बाकी सब श्रद्धालुओं से भी मिल लीजिए। हम सबको दिखाएंगे अभी 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 शिव जी भैया ने कहा कि घाट देख लीजिए, हम देखेंगे ही नहीं सबको दिखाएंगे। अभी आपको वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहिए, हम चल रहे हैं घाट की तरफ। चलिए शिव जी भैया आप चलिए आ रहे हैं। रामशाला में है और यहाँ पे आप लोग जो पोखरा देख रहे हैं ये है राम सरोवर घाट और यहाँ पे माता और बहनें छठ मना रही हैं। आप लोग देख सकते हैं क्यारी में कितना सुंदर अच्छा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे छठ पूजा मनाया जा रहा है जहाँ पे हमारे माता और बहनें छठ पूजा मना रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे साथ सोनू पटेल जी हैं। सोनू पटेल जी कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है माहौल है, आज त्यौहार है, हम लोग त्यौहार को अच्छी तरह से मान है, माता बहने मना रही हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद आ रही है, मज़ा आ रहा है। सोनू पटेल जी का भी कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है और इनका घर पास ही में है, हम लोग देख सकते हैं। ये जो येलो कलर का मकान दिख रहा है ये सोनू जी का है और हमारा घर यहाँ से 100 मीटर होगा ना, 100 मीटर की दूरी पर हमारा भी घर है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, आप लोगों को हर जगह का सीन मैंने दिखाया और एक ये भी सीन देख लीजिए। अभी तो दिन है, रात का भी हम दिखाएंगे कुछ देर बाद, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। हमारे साथ बने हुए हैं भुवर तिवारी जी जो हमारे परम मित्र हैं और इधर आप लोग देख सकते हैं इरफान जी को
हेलो बड़का भैया चंदन भैया और लोग देख सके निजा और ये हमारे बड़े भाई सब जी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार छठ के पावन पर्व पर हम उपस्थित हुए हैं और जो सूर्य अस्त का जो आज का अर्घ है हम लोग दिए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल रहा है और छोटे भाई और बड़े भाई सबसे मिलकर के बड़ा एक खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गुलाब जी की यह जो प्रांगण है गुलाब साहब भीका साहब हरलाल साहब का जो प्रांगण है लाइटों से इतनी बेहतरीन सजी हुई है जिसे देख करके हृदय पर प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है दृश्य देख करके भोपाल से आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे करिया अंकल है जो गुस्से में है आज उनको मनाया जा रहा है उठा कर करिया तेरे पहले